इंडिया फर्स्ट टाइम एक्सपोर्टेड आकाश मिसाइल्स टू अर्मीनिया। तो जी इंडिया भेज रहा है, पहली दफा एक्सपोर्ट कर रहा है, तो पहले वीडियो देख लेते हैं कि क्या हो रहा है, उसके बाद इसके ऊपर बात करते हैं। जी तो भारत ने अब यह साबित कर दिया है कि भारत को रोकने की चाहे जितनी भी कोशिश की जाए, लेकिन भारत को रोकना सबके बस की बात नहीं है। दरअसल देखा जाए तो डिफेंस हथियारों के लिए भारत को बढ़ चढ़कर विदेशों से आर्डर रिसीव हो रहे हैं, लेकिन दुनिया के कई बड़े बड़े देश जो अभी तक दूसरे देशों में सबसे ज्यादा डिफेंस हथियार भेजते थे, वह बिल्कुल भी नहीं चाहते कि भारत से हथियारों की खरीददारी बढ़े जिससे भारत की कमाई हो, क्योंकि इस भारत की ओवरऑल कमाई तो बढ़ ही रही है, लेकिन इससे उन देशों की कमाई घट रही है जो कि अभी तक टॉप डिफेंस एक्सपोर्टर बनकर मोटा पैसा लूट रहे थे। फिलहाल एक बार फिर से भारत में अपना जलवा दिखा दिया है और खबर निकल कर आ रही है ईरान के बगल में मौजूद एक पहाड़ी देश आर्मेनिया है, और इसी आर्मेनिया को हाल ही में भारत के द्वारा आकाश मिसाइल सिस्टम को भेजा जा चुका है। और कमाल की बात यह है कि अभी तक इस मिसाइल को किसी भी देश में नहीं भेजा गया है, लेकिन आर्मेनिया वह पहला देश बन चुका है जिसको भारत के द्वारा आकाश मिसाइल का एक्सपोर्ट किया गया। दोनों देश के बीच में फाइनलाइज हुए इस सौदे के बारे में रणनीतिक जानकारियां इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, भारत ने पहली बार आकाश मिसाइल को एक्सपोर्ट करके कामयाबी हासिल किया है, उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए एक सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। सबसे पहले आप इस मैप को देखिए, यहां पर मौजूद है हमारा भारत देश, और भारत से उत्तर पश्चिम दिशा में आने पर यहां ईरान के बाद मौजूद है आर्मेनिया, और देखा जाए तो आर्मेनिया के ही एक साइड में तुर्की है और दूसरी तरफ में अजरबैजान, यानी कि आर्मेनिया लगभग तीनों तरफ से अपने दुश्मन देश से घिरा हुआ है, क्योंकि इन देशों के साथ आर्मेनिया का सीमा विवाद चलता रहता है, और हाल ही में आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच विवाद काफी ज्यादा बढ़ चुका है, और देखा जाए तो लगभग पिछले 1.5-2 सालों से दोनों देशों के बीच तनातनी देखने को मिल रही है। लेकिन इन दोनों देशों के बीच विवाद बढ़ना भारत के लिए काफी फायदेमंद साबित हो रहा है, क्योंकि आर्मेनिया का आरोप है कि उनकी जो जमीन है उसे लगातार अजरबैजान अपने कब्जे में लेता जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी आर्मेनिया की मदद करने के लिए कोई देश तैयार नहीं हुआ। इस समय आर्मेनिया को काफी सारे आधुनिक डिफेंस हथियार की जरूरत थी ताकि उसका इस्तेमाल अजरबैजान के खिलाफ कर सके। आर्मेनिया एक छोटा सा देश है और उनकी अर्थव्यवस्था भी काफी अच्छी नहीं है, इसलिए इनके पास इतना ज्यादा बजट नहीं रहता कि यह महंगे हथियार को खरीद सके। हालांकि इसके बाद आर्मेनिया ने फ्रांस और भारत से हथियारों की खरीद के लिए मदद की गुहार लगाई, और यहां पर आर्मेनिया अपने हित के लिए लड़ रहा है, इसलिए भारत और फ्रांस दोनों देश खुलकर सामने आए और हथियारों के मामले में आर्मेनिया का साथ देने के लिए तैयार हो गए। इसके बाद आर्मेनिया ने फ्रांस और भारत दोनों देशों से ताकतवर हथियारों को खरीदना शुरू कर दिया, जिसमें भारत के द्वारा आर्टिलरी गन सिस्टम और कई सारे छोटे बड़े मिसाइल के साथ साथ छोटे बड़े हथियार आर्मेनिया को एक्सपोर्ट किए गए। यहां तक कि आर्मेनिया ने फ्रांस से भी जिन छोटे बड़े डिफेंस हथियारों को अपनी रक्षा के लिए खरीदा, उसे फ्रांस ने एक्सपोर्ट किया। लेकिन आर्मेनिया को इस बीच कुछ समस्याएं आने लगी, क्योंकि फ्रांस के जो डिफेंस हथियार है वह आर्मेनिया को महंगे पड़ रहे थे, और भारत के डिफेंस हथियार काफी ज्यादा सस्ते पड़ रहे थे। और इसके दो सबसे बड़े कारण हैं, पहले की बात करें तो वाकई में इंडियन डिफेंस हथियार ताकत के मामले में फ्रांस के हथियारों से कम नहीं है, लेकिन जब बात कीमत की आती है तो इंडियन डिफेंस हथियार काफी ज्यादा सस्ते हैं, जबकि फ्रांस के हथियार काफी ज्यादा महंगे हैं। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि भारत की अपेक्षा देखा जाए तो फ्रांस की दूरी थोड़ी बहुत ज्यादा हो जाती है, जिसके कारण आर्मेनिया जब हथियारों की सप्लाई लेता है तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उनको ज्यादा पड़ जाती है। यानी कि ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि आर्मेनिया को भारत के हथियार फ्रांस की अपेक्षा काफी सस्ती कीमत पर मिल रहे थे,
जिसके कारण आर्मेनिया ने धुआंधार भारत से डिफेंस हथियार खरीदना शुरू कर दिया और देखते देखते सितंबर महीने में यह खबर निकल कर आने लगी कि आर्मेनिया के लिए भारत सबसे बड़ा डिफेंस सप्लायर बन गया। और रिपोर्ट की माने तो भारत ने पिछले साल सबसे ज्यादा जिन देशों को हथियार बेचा है उसमें टॉप 3 कंट्रीज की लिस्ट में आर्मेनिया का भी नाम शामिल है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि आर्मेनिया ने भारत से जिन हथियारों को खरीदा है उससे भारत की कितनी ज्यादा कमाई हुई है। लेकिन आर्मेनिया को भारत के द्वारा जिन हथियारों की सप्लाई की गई इसका इस्तेमाल करके अजरबैजान को आर्मेनिया ने हिलाकर रख दिया, तो ऐसे में अजरबैजान भी कहां चुप बैठने वाला था। और यह बात आज से कुछ महीने पहले की है जब अजरबैजान ने भारत और फ्रांस दोनों देश को आर्मेनिया में हथियारों की सप्लाई करने के लिए वार्निंग दिया। उनका कहना था कि भारत आर्मेनिया को हथियारों की सप्लाई करके गलत कर रहा है। फिलहाल भारत ऐसा करके गलत कर रहा था या सही, यह बात तो खुद दुनिया को मालूम है। लेकिन भारत ने हाल ही में जो कारनामा किया है इसने अजरबैजान के साथ साथ आर्मेनिया के पड़ोसी देश तुर्की को भी अंदर तक हिलाकर रख दिया है। क्योंकि पिछले दिन आई इस खबर में आप साफ साफ देख सकते हैं कि भारत ने आर्मेनिया में आकाश मिसाइल सिस्टम को भेज दिया है और भारत के द्वारा आर्मेनिया को ऐसे समय आकाश मिसाइल सिस्टम को भेजना उन देशों के मुंह पर उल्टा तमाचा है जो कि भारत को रोकने की कोशिश कर रहे थे। और साथ ही भारत की तरफ से अजरबैजान को यह संदेश है कि तुम अपनी धमकियां अपने पास ही रखो तो ज्यादा ठीक है, क्योंकि देखा जाए तो भारत के द्वारा आज तक आकाश मिसाइल सिस्टम को किसी भी देश में डिलीवर नहीं किया गया, लेकिन आर्मेनिया वह पहला देश बन चुका है जिसको भारत ने आकाश मिसाइल सिस्टम भेज दिया है। वैसे तो एक तरीके से अगर आर्मेनिया में हमारी डिफेंस पकड़ रही तो न सिर्फ भारत की कमाई होगी बल्कि आगे चलकर तुर्की हमारे लिए खतरा भी नहीं बन पाएगा। और भारत ने जिन मिसाइल सिस्टम को आर्मेनिया में भेजा है उससे भारत की जो कमाई हुई है उसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आपको बता दें कि हाल ही में आर्मेनिया ने भारत में आकर 15 आकाश मिसाइल सिस्टम को खरीदने का ऑर्डर दिया था और इस डील की अनुमानित कीमत लगभग 6,000 करोड़ रुपए है। वैसे तो यह एक बहुत बड़ा अमाउंट है जो कि भारत की इकोनॉमी में डिफेंस हथियार के एक्सपोर्ट बढ़ने से पॉजिटिव इंपैक्ट डाल रहा है। लेकिन वाकई में जब दूसरे देशों की मिसाइल से कंपैरिजन किया जाता है तो 15 मिसाइल्स के लिए यह कोई खास कीमत नहीं है, बल्कि यह आर्मेनिया को काफी सस्ती कीमत में भारत की तरफ से भेजी जा रही है। क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का कहना है कि अन्य देशों की इसी तरीके के क्वालिटी वाली मिसाइल की कीमत इससे 8 या 10 गुना ज्यादा है। अगर आकाश मिसाइल सिस्टम की बात की जाए तो यह कोई छोटी मोटी मिसाइल नहीं है, बल्कि यह मल्टी बैरल वाली मिसाइल है जो कि 25 किलोमीटर की दूरी तक और 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर दुश्मन के एयरक्राफ्ट और यहां तक कि क्रूज मिसाइल को भी एक बार में निशाना बनाकर राख कर सकती है। इतना ही नहीं बल्कि इसकी जो सबसे खास बात है वह है इसमें लगा राडार जो कि 3D मॉडल पर बेस्ड है और यह एक साथ 64 निशानों को ट्रैक कर सकता है जिसमें से 12 टारगेट को तो एक बार में ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कि भारत से डिफेंस हथियारों का एक्सपोर्ट टॉप डिफेंस एक्सपोर्टर कंट्रीज को पीछे छोड़ पाएगा या नहीं, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और इस तो ये तो वही हुआ ना, जैसे अमेरिका को फायदा होता है ना कि पाकिस्तान, इंडिया, इनकी चाइना, इंडिया, किसी ना किसी मुल्क की जंग लगी रही, ईरान की, बिल्कुल इजराइल की, फलस्तीन की, मतलब शाम, इराक, ये आपस में कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ लगती रहे। और अजरबैजान की जंग में इंडिया को फायदा हो रहा है, इंडिया को फायदा हो गया ना, उनके मतलब हथियार जो है वो एक्सपोर्ट हो गए। 600 करोड़, हमने एक डॉक्यूमेंट्री, एक हमने डॉक्यूमेंट्री वीडियो देखा था जिसमें ये था कि अमेरिका क्यों नहीं मार खा सकता, वो ये था कि अमेरिका किसी ना किसी मुल्क को लड़ाई रखता है बिल्कुल जस्ट फॉर अपने हथियार बेचने के लिए। तो रशिया भी यही काम करता है। तो मतलब जो जो वेपन एक्सपोर्टर है ना वो ये चाहते हैं, उनका मतलब ये होता है कि कोई ना कोई कशीदगी कहीं होगी तो लोग उनसे माल खरीदेंगे ना। अगर अमन, अगर हर जगह पर अमन पीस हो गया तो फिर ये वेपन कौन खरीदेगा, ये चीजें होती है। तो बाकी इसका चले फायदा हो गया, एक अच्छी मतलब चले इंडिया ने, ये कहते हैं अभी तक इंडिया ने किसी मुल्क को नहीं बेचा था आकाश,
मिसाइल, फर्स्ट टाइम है इंडिया ने मिसाइल जो ये एक्सपोर्ट किया है। और इसकी हमने वीडियो भी देखी है, बड़ा तगड़ा मिसाइल है ये आकाश मिसाइल। लेकिन ये कि इंडिया में बहुत बढ़िया साइंटिस्ट और उनके बहुत ही बढ़िया तगड़ी वो सोर्सेज भी हैं उनके पास, उनकी इकोनॉमी भी उसी हिसाब से, देश भी ऐसा है और वो बना रहे हैं खुद से बेच रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, आर्मेनिया सिर्फ फ्रांस और इंडिया से ही एक्सपोर्ट कर रहा है वो, अब माल ले रहा है तैयार खरीद रहा है। फ्रांस के तो एक्सपेंसिव है इसलिए। हाँ, फ्रांस को छोड़ दिया ना उन्होंने। बिल्कुल। आर्मेनिया की इंपोर्ट जो है वो इंडिया से उन्होंने की है। इससे इंडिया मतलब ये है कि रेवेन्यू काफी इससे जनरेट करेगा। अभी हो सकता है कि अभी तो ये 15 की डील हुई है, इसके बाद और भी ज्यादा हो सकती है। अभी तो कशीर की खत्म हो गई है, ये पहले की न्यूज है आर्मेनिया और अजरबैजान की। और बाकी ये है कि आर्मेनिया वो लोग यूरोप में आते हैं ना, ये सारी साइड पे हैं अपने अपने, ये सारी साइड इनको लगती है। टर्की लगता है, ये टर्की जो है टर्की ज्यादा यूरोप में है, कुछ हिस्सा यूरोप में जाता है इसका। ऐसे ही है कि कुछ मतलब ये सारे ना अजरबैजान के, अब इसकी एक साइड जो है वो इधर से ईरान के साथ भी ये शेयर ऐसे कर रहे हैं बॉर्डर, ये मैप जो है उसमें आपस में सारे साथ साथ ही लगे पड़े हैं। ये सारे इस साइड है, ये सारी हमारी जो ना ये वाली साइड जो ऊपर वाली है, ये सारे देश इस साइड पर हैं दोनों। सही। चले बाकी जो है आते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। आपके क्या विचार है इंडिया के इस मिसाइल को एक्सपोर्ट करने पर, कमेंट में जरूर बताइएगा। और बैटलफील्ड में जब किसी देश का हथियार जाता है वो एक्सपोर्ट होता है, और बैटलफील्ड में अगर वो रिजल्ट देता है तो उसका बहुत बेनिफिट होता है। बिल्कुल। अब यही आकाश मिसाइल जो है आर्मेनिया अजरबैजान के अगेंस्ट यूज करेगा, और अगर उसका पॉजिटिव रिजल्ट आया तो ये देखिए कि ये इंडिया के लिए भी एक टेस्टिंग हो जाएगी। इंडिया भी टेस्ट हो जाएगा कि यार हाँ बैटलफील्ड में जो है ना ये टेस्टेड है, ये नजर में आ जाएगा ना, टेस्टेड है। और बाकी जो दूसरे आर्मेनिया जो है फिर और भी बाय करना चाहेगा तो उससे और ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। दूसरे देश भी हो सकता है कि वो फिर इंडिया की तरफ आए, क्योंकि इंडिया से जो कॉस्ट आती है ना वेपन कोई भी तैयार करने पर, वो लागत बहुत कम होती है। तो हर देश जो है वो इंडिया की तरफ भागेगा कि भाई सस्ते में माल जो है वो मिल जाएगा इधर से। जो मौजूदा सूरत हाल है ना मौजूदा, उसमें ज्यादातर मुल्क इंडिया की तरफ ही भाग रहे हैं कि हम इंडिया से अपना माल खरीदते, क्योंकि चाइना वाले की तो वारंटी नहीं ना होती। वो हाँ, गारंटी नहीं है, वो दिल करे ऐसे चले ऐसे उसको उड़ाओ वो ऐसे मतलब निकले तो ऐसे ही आगे नीचे आ जाए उधर, बिल्कुल ऊपर से ही घूम के। चले बाकी आते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, रखें अपना ख्याल।